लेकिन स्त्री के अगर मूव दिखा दे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो क्या करता है ना वो मूविंग एवरेज को कैचअप करने का मौका देता है तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखिए आशीष पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको ट्वेंटी टू फोर फिफ्टी टू ट्वेंटी टू फाइव ट्वेंटी वन यप्शन्स बेस्ड है और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी चार्ट बेस्ड हालांकि चार्ट सब ऑल टाइम हाई पर हैं लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उनको एक्सटेंड करेंगे तो बाईस पाँच सौ चौहत्तर से सॉरी बाईस छः सौ सैंतीस ये आपकी बड़ी रेजिस्टेंस है सपोर्ट का है हमेशा ना बुल मार्केट में सपोर्ट का ध्यान रखें क्योंकि रेजिस्टेंस तो टेम्प्रेरी है वो तो जानी है इवेंचुअली सपोर्ट कहाँ पर है पहला सपोर्ट है आपका बाईस दो सौ पचानवे से बाईस तीन सौ अट्ठावन पुट राइटर्स का जो, जो जोन है मुझे लगता नहीं कि ये जोन इतनी जल्दी वायलेट होगा अगर हो गया बाई चांस तो बड़ा सपोर्ट आपका आएगा बाईस एक सौ पचास से बाईस दो सौ जो आपका टेन डेमा का जोन है और राइजिंग डेमा इसके लिए मैंने इसको जोन लिया है एग्जैक्ट लेवल नहीं मैंशन किया तो ये जोन है आपका बेसिकली तो हमारी सैटरी वही है जो कल भी थी हर डिप पे ऐड करें हर कंसोलिडेशन में ऐड करें और अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं लेकिन देखिए एग्जिस्टिंग एक लॉन्ग है तो बने रहे कोई दिक्कत नहीं है नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वही जो मेरी अप्रोच कल भी थी एस वन में मिले यानी कि सपोर्ट वन में मिले तो ऐड करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं बाईस हज़ार सैंतालीस का ना मिले तो छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है देगा मार्केट दोबारा मौके देगा ऐसा नहीं है कि मार्केट बस अब एक वन वे ट्रेन है और निकलता ही चला जाएगा हाँ ऑब्वियसली बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे साढ़े तीन सौ पॉइंट की रैली वाले तो उसमें आपको लगेगा कि मिस हो गया लेकिन डिप मिले ना अगली बार तो उसको आपको लेना पड़ेगा मार्केट में देखिए जब डिप आती है लोग घबरा जाते हैं प्रॉब्लम यही है सारी डिप आए तो लेना है और उसके बाद उसको कैरी करना है बढ़िया यह है आज का मंगलवार के दिन का निफ्टी का अप्रोच निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर रख देते हैं ऐसे ही सबड्यूट था फीसदी उछाल के साथ कल फाइनली मंडे के सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई निफ्टी बैंक क्या लेवल्स लेवल आउट करने देखिए निफ्टी बैंक में सबसे पहले तो मैं लेवल्स की बात करूं उससे पहले एक आपको एक इंटरनल दिखाता हूँ हाँ। जो आपको बताएगा कि क्यों हमारा कॉन्फिडेंस वापस थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आपको याद होगा पिछले हफ्ते से बढ़ रहा है इस महीने ज्यादा दिन हुए नहीं है वैसे हाँ। लेकिन इस महीने ऑलरेडी निफ्टी बैंक तीन परसेंट चल चुका है करीब करीब और निफ्टी आईटी टी एक परसेंट गिर चुका है जो डिफरेंशियल है ना निफ्टी वन पॉइंट नाइन परसेंट चलाई क्यों है क्योंकि निफ्टी आईटी टी वन परसेंट गिरा है और बैंक निफ्टी उसके सामने टू पॉइंट नाइन परसेंट चला है और ये शुरू हुआ था पिछले हफ्ते से मतलब ये जो इवन फेब्रवरी का लास्ट वीक था उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही ट्रेंड था तो निफ्टी बैंक ने अब आउट परफॉर्म करना शुरू किया कैचअप करना शुरू किया डिस्पाइट एच बैंक अभी भी मूव नहीं कर रहा है उसके बावजूद निफ्टी बैंक में कैचअप रैली शुरू हुई है तीन परसेंट दूर है निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई से मेरा ये मानना है कि मार्च में आपको निफ्टी बैंक में भी ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा पॉसिबल है अब ऑब्वियसली ये मेरा मानना है ये मेरा एक मैं चार्ट को देखकर और मेरी जो पिछली मैं जैसे मार्च 2014 की या मार्च 2009 के जो हिस्टोरिकल एनेक्डोटल एविडेंस है उनको देखकर बोल रहा हूँ मैं हो सकता है कि मेरा व्यू गलत हो मैं इस चीज़ को मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है कि मेरा व्यू गलत हो लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा है उस तरफ जाने की काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन दिखा दिया बैंक निफ्टी ने 47,761 सेवन सेवन सिक्सटी टू फोर्टी अब आप लेवल्स की बात करेंगे अगर तो ये पहला रेजिस्टेंस है थोड़ा बड़ा है यहाँ से Uh, और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है uh, कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है और बड़ी रजिस्ट्रेंस आएगी आपकी फोर्टी एट टू हंड्रेड टू फोर्टी एट फाइव हंड्रेड प्रीवियस ब्रेकडाउन जोन और प्रीवियस ऑल टाइम हाई से जस्ट पहले का ये जोन है सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको फोर्टी सेवन वन फिफ्टी टू फोर्टी सेवन टू फिफ्टी ये कल का लो था यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा और बड़ा सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा फोर्टी सिक्स एट फिफ्टी फोर टू फोर्टी सेवन थाउजेंड ये ऑप्शन बेस्ड है तो यहाँ पर अगेन डिप्स को यूज करें बाय करने के लिए और एक करीब फोर्टी सेवन थाउजेंड के आसपास का एक स्टॉपलस रखें बिल्कुल ठीक ये है निफ्टी बैंक चलिए चर्चा हो गई